हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज का जो चैप्टर है, लास्ट टाइम हमने देखा था इवांस गैम्बिट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज वेरिएशन। लुई लोपेज में एक्सचेंज वेरिएशन काफ़ी गेम्स हुई है जिसमें गेम ज़्यादातर ड्रॉ हुई है, लेकिन एक्सचेंज वेरिएशन भी इंटरेस्टिंग लाइन है। एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे बिशप B5 के बाद A6 रिप्लाई में बिशप टेक्स C6 करते हैं, तो लुई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन होता है। तो E4 E5 नाइट F3 एंड C6 देन बिशप B5 A6 देन बिशप टेक्स C6 और D टेक्स C6, ये पोजीशन है एक्सचेंज वेरिएशन। यहाँ पे नाइट क्रॉस E5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर क्वीन D4 ब्लैक विल बी बेटर। तो नाइट क्रॉस E5 पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिए, आपका ब्लैक का पोन हैंगिंग है, लेकिन अभी आप मार नहीं सकते, क्योंकि क्वीन D4 के बाद डबल अटैक से ब्लैक बेटर पोजीशन में आ जाएगा और आपका पॉन वापस भी ले जाएगा और आपका कैसलिंग ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे बिशप G4 वाइट कैसल करता है शॉट और ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप G4। एक ये वेरिएशन है, इसके सामने आपको खेलना है H3, बिशप G4, H3 और बिशप H5, ये एक वेरिएशन है। इसके बाद में आपको एक H5 वाला अर्ली अटैक वाला वेरिएशन भी दिखाऊंगा। तो इसमें भी ब्लैक काफ़ी अटैक करता है, लेकिन वाइट अगर पीस सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है तो बहुत ही आपको अटैक का सामना करना पड़ेगा। H3 के बाद ब्लैक खेलता है बिशप H5। बिशप H5 के रिप्लाई में यहां आपको खेल सकते हो G4, बिशप G6 और उसके बाद नाइट टेक्स E5। पॉन सेक्रीफाइस ब्लैक का है, लेकिन आपका जो किंग की पोजीशन है थोड़ी सी डल हो गई है, ओपन हो गई है, तो रिस्की तो है, लेकिन पॉन ले लिया है तो दोस्तों जिसने पॉन लिया है उसे डिफेंस करना होगा, और जिसने पॉन सेक्रीफाइस किया है उसे ये गेम में अटैक करना होगा, और अटैक का चांस भी मिलता है क्योंकि ऑलरेडी किंग एक्सपोज हो चुका है, किंग ओपन हो चुका है। नाइट क्रॉस E5 के बाद ब्लैक यहाँ पे अर्ली अटैक खेल सकता है क्वीन H4, डायरेक्टली थ्रेट ऑन क्वीन टू H3। उसके बाद वाइट का रिप्लाई सिंपल होगा क्वीन F3, डिफेंस के साथ में दोनों पॉन को बचाना है और डिफेंस भी करना है, पीस और डेवलप भी करना है। ब्लैक यहाँ अगर रिप्लाई देता है F6 तो सिंपल नाइट टेक्स G6 और H क्रॉस G6 और यहाँ पे किंग G2 विथ सपोर्ट। दोस्तों ये पोजीशन आने के बाद आप वाइट और ब्लैक दोनों की ओर से गेम ट्राई कीजिए, क्योंकि ब्लैक को चांस है अटैक का और वाइट को करना है डिफेंस, क्योंकि वाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। अगर वाइट ने परफेक्ट गेम को डिफेंड कर लिया तो यहाँ पे वाइट की विनिंग पक्की है, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाया तो चेकमेट हो सकती है यहाँ पे। लेकिन ब्लैक को अटैक का चांस है लॉन्ग कैसल और फिर बिशप D6 नाइट E7 वगैरह वगैरह बहुत सारे मूव्स ब्लैक के पास है। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो लुई लोपेज की सीरीज है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नई ओपनिंग्स लेके आपके सामने आऊँगा, और आज मैं आपको एक बेहतरीन गेम दिखाने वाला हूँ, आनंद वर्सेस विश्वनाथन आनंद वर्सेस लियोन आरोनियन। 2013 की गेम है, आप डेटाबेस में chess.com में सर्च कर सकते हो। 2013 की ये गेम है, जिस गेम के लिए बहुत ही मेहनत करके आनंद ने सेक्रीफाइस ढूंढा था और एक्सक्लेमेशन मार्क डबल एक्सक्लेमेशन मार्क वाले मूव किए थे। आरोनियन एकदम शॉकिंग हो गया था कि ऐसे मूव्स जो उसने थिंकिंग ही नहीं किए थे, उसके थिंकिंग के बाहर के मूव्स आ गए। तो कैसा है, यहाँ पे सेमी स्लो डिफेंस ओपनिंग हुई थी इसमें, तो ये देखते हैं। आरोनियन वाइट से खेल रहे थे D4, आनंद प्लेड D5, C4 क्वींस गैम्बिट के सामने C6 जो सेमी स्लो डिफेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। C6 के बाद नाइट F3 नाइट F6 रिप्लाई दिया है आनंद ने, नाइट C3 और यहाँ पे E6 पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है। E3 के बाद नाइट D7 बिशप D3 और पॉन टेक्स पॉन, ये एक टेम्पो के साथ सामने वाले के मूव वेस्ट करने का एक स्टाइल है। जब भी वाइट
बिशप खेलता है उसके बाद ही पॉन टेक्स पॉन करना है ताकि उसका एक मूव वेस्ट होए। तो बिशप टेक्स सी फोर के बाद बी फाइव करके आनंद ने टेम्पो लिया था यहाँ पे, और बिशप डी थ्री वापस गए थे, और बी डी सिक्स यहाँ पे कैसल दोनों की ओर से, उसके बाद क्वीन सी टू आरोनियन थ्रेट किया था एच सेवन पे, और तीसरा अटैक नाइट जी फाइव का प्लानिंग है। तो यहाँ पे आनंद ने रिप्लाई दिया था बिशप बी सेवन ए सिक्स ए थ्री, ये बी फोर को स्टॉप करने का मूव है, और ए थ्री के बाद आर सी एट, अब पूरी पोजीशन आनंद ने बना दी थी यहाँ पे आर सी एट। अब यहाँ नाइट जी फाइव ये एक क्वेश्चन मार्क वाला मतलब शॉकिंग मूव था, इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था, थोड़ा वीकनेस थी यहाँ पे। और यहाँ आनंद ने खेला था सी फाइव पॉन सेक्रीफाइस, बिशप टेक्स सी फाइव में क्या होता है पॉन टेक्स पॉन, और यहाँ पे एक्सरे अटैक में नाइट पिन होता है। तो यहाँ आरोनियन ने नाइट टेक्स एच सेवन किया, यहाँ पे रुक सेक्रीफाइस वाला मूव किया था आनंद ने नाइट जी फोर करके इस काउंटर अटैक पे, नाइट टेक्स एफ एट में बिशप टेक्स एच सेवन, और यहाँ पे एफ फोर किया था बिशप एच सेवन स्टॉप करने के लिए, और यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, और यहाँ बिशप सेक्रीफाइस, ये जबरदस्त मूव था, बिशप सेक्रीफाइस किया था यहाँ पे, वाइट बिशप ई टू किया था, और यहाँ पे अगर ये पॉन टेक्स बिशप कैप्चर करते हैं तो क्या होता है सी टेक्स डी फोर, ये बैड मूव होगा क्योंकि आफ्टर सी टेक्स डी फोर यहां पे सी टेक्स डी फोर में क्या होता है दोस्तों, सी टेक्स डी फोर वाइट ने एफ फोर खेला था, अगर वाइट ने यहाँ पे इस पोजीशन में हाँ एफ फोर के बाद पॉन टेक्स पॉन और बिशप सी फाइव, यहाँ पे अगर डी टेक्स सी फाइव करते हैं वाइट तो क्या होता है, तो नाइट टेक्स सी फाइव, देन बिशप पे डबल अटैक होता है, आफ्टर बिशप ई टू क्वीन डी फोर चेक, देन किंग एच वन नाइट एफ टू चेक, और गेम क्रैश हो जाते हैं यहाँ पे। तो बिशप ई टू पॉसिबल मूव नहीं है, बिशप को बचाना है तो ये बहुत ही डेंजर में आ सकता है, इसलिए आरोनियन ने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया और बिशप ई टू खेल दिया। आफ्टर बिशप ई टू एक वन मोर सेक्रीफाइस जो हम भी नहीं सोच सकते, वो नाइट बी जो नाइट ई फाइव, दो दो नाइट मरते हुए हैं, पॉन से बिशप मर रहा है, पॉन से नाइट मर रहा है, और बिशप टेक्स नाइट। तो इतने सारे थ्रेट के सामने आनंद की ये बेहतरीन मूव, और नाइट से रुक भी मर रहा है, तो इतने सारे अटैक वाली गेम बहुत, लेकिन फाइनली क्या हुआ गेम में, बिशप टेक्स जी फोर नाइट पॉन बिशप टेक्स पॉन चेक, और उसके बाद नाइट टेक्स जी फोर, और फिर अपना एफ एट वाला रुक सेक्रीफाइस किया नाइट टेक्स एफ एट, और आनंद ने यहाँ पे एक और सरप्राइज मूव किया F5, नाइट एक्सेप्ट नहीं किया आनंद ने क्योंकि नाइट तो वैसे ही फंसा हुआ है, कहाँ जाने वाला है, F5 करके ये डिफेंस पूरा रोक दिया है, और उसके बाद वाइट ने ट्राई किया नाइट G6 करके बचाने का, लेकिन ज़्यादा बचेगा नहीं, क्वीन F6 फाइनली H3 और क्वीन टेक्स नाइट, अब एच क्रॉस G4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन H6 चेकमेट इन वन मूव थ्रेट है। तो यहाँ पे क्वीन E2 डिफेंस में लाए है और क्वीन H5 डिस्कवर्ड की थ्रेट है, यहाँ पे क्वीन D3 फोर्स मूव है, अगर क्वीन D3 नहीं करते हैं तो
H3 और Qg2 चेकमेट की थ्रेट है। और फाइनल मूव जो आनंद ने किया था, वहां से आरुणि ने रिजाइन किया Be3 के बाद में। लाइन क्लोजिंग का जो टैक्टिक्स है वो यूज किया, अगर Bb करते हैं तो। यहाँ पे Qh3 चेकमेट इन टू मूव्स है, तो ये बहुत ही बेहतरीन गेम है। आप खुद भी डाउनलोड करके ये पूरी गेम देखिए, एनालिसिस करिए, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों इस गेम में, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मूव सीखने को मिलेंगे। जल्द ही मिलेंगे नए ओपनिंग के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।